हाय दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फाइनली मैंने आपसे एक वीडियो में शेयर किया था कि इन फ्यूचर जो मेरी बाइक होगी वो कौन सी होगी, क्योंकि अभी मेरे पास जो है वो TVS रेडर 125 cc है, जो कि इस वक्त 125 cc में वन ऑफ द बेस्ट बाइक है अदर और भी कंपटीशन में। और इसके अलावा और भी है, होंडा शाइन, होंडा SP है, सॉरी होंडा SP125 है। ये दोनों का ज़्यादा कंपेरिजन है, तो मेरे पास जो है वो 125 है TVS रेडर। मैंने इसका एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि जो मेरी फ्यूचर बाइक होगी। हालांकि मेरा जो प्रॉब्लम था, जो जिस वजह से मैंने इसको ख़रीदा था, इस TVS रेडर 125 को, तो उसने तो वो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व कर ही दिया। क्योंकि मैंने जो इसे लिया था, इसका मेन मेरा पर्पस था माइलेज, और दूसरा एक इसका अच्छा लुक हो और परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो माइलेज इसने मुझे काफ़ी अच्छा दिया, और आफ्टर 3 सर्विसिंग जो है मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसकी माइलेज और बढ़ चुकी है। लेकिन अब क्या है कि जब मैंने इसे लिया था तो उस वक्त मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, लेकिन अब जो है पिछले 7 महीनों से मेरा अपने मैं यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है मुझे थोड़ी सी चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जो बाइक है मैं उसे अपग्रेड करूँ, उसे अपडेट करूँ। तो मेरे सामने ये दो थिंकिंग है। एक तो मैंने अपना जो TVS रेडर है उसका रीसेल प्राइस जो है वो मैंने पता कर लिया है। मैं हीरो के शोरूम में गया, बजाज के शोरूम में गया, TVS के शोरूम में भी गया और होंडा के शोरूम में गया। तो ओवरऑल जो मेरी बाइक की जो रीसेल प्राइस निकल के आई वो अराउंड 55 to 60 के बीच में, जो लगभग बाकी जितने भी डीलर हैं, जितने भी शोरूम के वहाँ के आपको सेल्समैन जो टीम है उन सब ने यही सजेस्ट किया। तो हर कोई ये कहता है कि अगर कोई भी बाइक का रीसेल प्राइस जानना हो तो कम से कम 2 साल यूज़ करने के बाद ही उसका रीसेल प्राइस जो है अच्छा पड़ता है। क्योंकि अभी अभी मैंने 1 साल लिया ही है, अभी मैंने उसको ज़्यादा चलाया नहीं है, अभी 9,000 की मेरी चला है, तो जस्ट लाइक नया ही है, न्यू ही है। तो एक सिस्टम है, एक कंडीशन है कि बाइक जब शोरूम से निकल जाती है तो उसी समय 20% to 30% जो प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो मैंने अब जो है वो सारा चीज़ जो है वो पता कर लिया है। एक के मेरे सामने अब ऑप्शन ये है कि मैं अपनी इस बाइक को होल्ड करूँ अभी 1 साल, और या फिर मैं उसी प्राइस पर उसको एक्सचेंज कर लूँ। और दूसरा थिंकिंग ये है मेरा कि क्यों ना मैं इसी बाइक को रखे रहूँ और उस अलग जो बाइक है वो अलग से उसे जो है वो निकाल लूँ। मतलब दो बाइक मुझे रखना पड़ जाएगा, क्योंकि मेरा जो है वो डेली जो है मेरा अपना अलग भी जो वर्क होता है, तो उसमें एक माइलेज वाली बाइक होना मेरे लिए ज़रूरी है। ऐसे में मेरे लिए ये दो थिंकिंग बन रहा है कि एक मैं उस TVS रीडर को खुद रखूँ या मैं एक नया ही ले लूँ। और जो मेरा बाइक जो लेने का पर्पस है वो थोड़ा पावरफुल इंजन हो, ताकि कम से कम 150 cc हो और ज़्यादा से ज़्यादा 250 से 300 cc हो। इस चीज़ के लिए मैंने बजाज में भी गया और TVS में भी गया और हीरो में भी गया और होंडा में भी, लेकिन मैंने इन चारों में से होंडा की बाइक जो है CB300F मैंने उसका टेस्ट राइड लिया। मैं उसी के बारे में मैं थोड़ा आपसे आपकी बात आपके साथ में अपनी बातें जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि मैं जो गया था उसका प्राइस पता करने के लिए, मैं कोई उसका टेस्ट राइड लेने नहीं गया था। और वो जो बाइक है होंडा CB300F वो 300 cc है, और पावर के मामले में भी अच्छी खासी है, लगभग 26 है। वो लगभग है आपको बजाज की जो N250 है वो उसके आसपास की जो है वो पावर जो है वो लगभग सेम ही है। आपको होंडा CB300F और बजाज की N250 कुछ थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, और दोनों में ही ABS है, डुअल चैनल ABS। तो मेरे सामने होंडा के लिए थोड़ा सा इसलिए मैं उधर देखा, मैंने उस बाइक को देखा क्योंकि जिस बजट में वो लगभग 2,04,000 से 5,000 में मैंने होंडा के शोरूम में गया, मैंने वहाँ पता किया, और दिक्कत ये हो गया कि मैं उसका जो है अपना वीडियो जो है अपने ब्लॉग जो है वो शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कोई प्लानिंग करके नहीं गया था, ना ही मैं किसी भी तरह का अपना सेटअप किया था कि मुझे वीडियोस बनाना है। जब मैं होंडा के शोरूम में गया तो वहाँ पर उन्होंने मुझे टेस्ट राइड के लिए प्रेफर कर दिया कि आप टेस्ट राइड ले लो, आप आई हो तो टेस्ट राइड ले लो। मैंने उसका टेस्ट राइड लिया, तो मैंने चलाया करीब 5 से 6 किलोमीटर मैंने होंडा CB300F चलाया। उसका जो रीज़न निकल के आया कि उसका जो कंफर्टेबल है बाइक चलाने का, जैसे कि मैं TVS रेडर चलाता हूँ तो वो मेरे हाइट के हिसाब से कंफर्टेबल है। मेरी जो हाइट है वो 5 foot 6 inch है, तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होता है अपने इस TVS रेडर पर बैठ करके। और उसका जो हैंडल जो पोजीशन है वो भी मेरे हाइट के हिसाब से एकदम परफेक्ट बैठता है, मतलब वो ज़्यादा नहीं नीचा है और ना ही ज़्यादा ऊपर है। जो मैंने होंडा CB300 देखा वो
उसकी जो हैंडल की जो हाइट थी वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा महसूस हुई, तो मुझे चलाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। तो मेरे पीछे वो जो है सेल्समैन का जो पर्सन बैठा हुआ था मेरे पीछे ही पिलियन में, तो मैं उससे सारा डिस्कशन करते हुए जा रहा था। मैंने उसे बता रहा था कि ये मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी ओवरऑल बाकी ठीक है, क्योंकि उसका लुक भी जो है वो होंडा ऑर्नेट से जो है वो हू बहू मैच करता है। तो मैंने थोड़ा सा ये एक लगा कि जो 180 cc होंडा ऑर्नेट है वही 300 है, मतलब थोड़ी सी चीज़ें से लुक लाइक सेम लगता है, तो मुझे थोड़ा सा अलग यूनिक नहीं दिखा। सो एक रीज़न ये था। और दूसरा रीज़न ये था कि मुझे सबसे मेन जो इशू लगा वो मेरा सीटिंग पोजीशन, मुझे चलाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होना, तो इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा सा मैं उसके लिए पीछे हट गया। हालांकि मेरा पूरा जो ये था फोकस भी था उस पर भी था, क्योंकि 2,05,000 के 2,05,000 से 10,000 के बीच में एक 300 cc बाइक मिल जाए, वो भी होंडा जैसी कंपनी जिसकी इंजन काफ़ी स्ट्रांग मजबूत मानी जाती है, और होंडा अपनी जानी जाती है इंजन के लिए ही, तो मैंने वो चीज़ देखा। सो एक तो चीज़ इंजन तो बेस्ट है उसकी क्वालिटी, क्योंकि हमेशा, क्योंकि मैं पहले भी होंडा का जो कस्टमर रह चुका हूँ, सबसे पहले मेरी बाइक होंडा शाइनी रही। सो इस चीज़ के लिए मैंने थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया, लेकिन जब मैंने उसे टेस्ट राइड लिया तो मेरा थोड़ा सा जो मन जो है उससे पीछे हट गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक तो मुझे वो चलाने में अनकंफर्टेबल हुआ, दूसरा जो है उसका जो एग्जॉस्ट है, उसका जो एग्जॉस्ट का साउंड जो है वो मुझे कुछ खास पर्सनली ठीक नहीं लगा। तो इस कुछ चीज़ों के लिए, बाकी उसका कुछ डिजिटल कंसोल पर जो है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें अवेलेबल है, लेकिन जो चीज़ मैं सोच रहा था सबसे बड़ा जो मेन जो प्रॉब्लम हुआ वो चलाने में मुझे अनकंफर्टेबल हुआ, ये सबसे बड़ा रीज़न था। बाकी अदर रीज़न जो है वो तो मैनेज हो सकता था, लेकिन मेन है चलाने में अगर हम लॉन्ग रूट टूर पर जाते हैं, क्योंकि हेवी मेरा लेना 150 से 250 cc 300 cc बाइक लेने का मतलब ही है कि मैं सिटी राइड भी करूँ और लॉन्ग राइड भी जाऊँ। तो उसमें मेरा मेन मेन पर्पज़ यही है कि मैं सिटी राइड भी करूँ और लॉन्ग राइड भी जा सकूँ। सो जब मुझे लॉन्ग राइड पर जाने में ही अनकंफर्टेबल होगा, सिटी में हो सकता है ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जब मैं लॉन्ग राइड पर निकलूँगा तो हो सकता हो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो सकता हो बैक पेन हो वगैरह हो। तो मेरा जो मकसद है वो बाइक लेने का वो सिटी भी है और लॉन्ग राइड भी है, तो मैं एक ऐसा बाइक की तलाश में हूँ कि जो मुझे दोनों चीज़ के लिए करे, एक सिटी भी हो और लॉन्ग राइड भी हो। सो इसी चीज़ के लिए मैं बाकी बाकी शोरूम में जो है मैं गया, विज़िट किया। सो ओवरऑल जो है अभी ज़्यादातर जो है मेरे सामने जो बाइक आ रही है जो प्राइस के हिसाब से और फीचर्स के हिसाब से तो और लुक के हिसाब से, तो वो अभी बजाज की आ रही है NS 200 या N250 है। अब देखना ये होगा, मैंने तो TVS रॉनिन भी पता किया, तो उसके कुछ क्लेम कुछ इशू मैंने फीडबैक सुने कुछ कस्टमर के, जैसे हीटिंग इशू और भी कुछ थोड़ी बहुत। हालांकि TVS रॉनिन भी एक तरह से क्रूजर बाइक है वो ठीक है, तो मेरा पहले ध्यान देता। अब देखना ये होगा कि मैं किसकी तरफ जाता हूँ और कौन सी बाइक जो है वो सोच करना चाहता हूँ, या मैं अभी ना लूँ या एक साल बाद लूँ, ये चीज़ मैं आगे अपने इस आने वाले वक्त में अपने समय में आपके साथ में वो शेयर करूँगा। सो तब तक के लिए आप उस वीडियोस के लिए इंतज़ार करें, और जैसे ही आएगा मैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। और आपसे एक चीज़ ये कहना है कि हमारा जो है एक सेकेंड चैनल भी है, सो उसका मैं आपके साथ जल्द ही आपके साथ में वीडियो शेयर करूँगा। सो ये था आज का इस वीडियो में अपना एक पर्सनल रिव्यू, अभी जो मैंने जो बाइक टेस्ट राइड किया उसका। सो वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, जय हिंद, खुदा हाफिज़।